कुछ दो ना। अबे यार भैया कुछ दो ना, बहुत भूख लगी है। जाना है यार, कुछ दीजिए ना। क्यों परेशान कर रहा है, रुक। ये ले, चल जा। भैया भैया प्लीज कुछ दो, भैया कुछ दो ना अंकल, अंकल कुछ दो ना। भैया कुछ दो ना। तू फिर आ गया, तू मानेगा नहीं ना, रुक। ये ले जाओ। छोटू ये ले। क्या हुआ तुझे, तू ठीक है ना? ठंड लग रही है। इधर आ। तुझे तो बुखार है, एक काम कर, ये ले पैसे और किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा लेना, और पैसे की जरूरत हो तो मांग लेना, ठीक है? चलता हूँ, पेट हो रही है। भाई साहब एक छोटा सा बच्चा यहाँ सिग्नल पे भीख मांगता है, देखा है क्या आपने? एक छोटा सा बच्चा सिग्नल पे भीख मांगता है प्यारा सा। भाई साहब वैसे एक छोटा सा बच्चा देखा, मैं लंबे से बाल हैं, यहाँ सिग्नल पे भीख मांगता है, देखा मैं मासूम सा। पता नहीं भाई शायद इधर ही कहीं रहता है, आप देख लो। बेटा एक छोटा सा बच्चा है, आपसे थोड़ा सा छोटा होगा, गोल मटोल सा है, लंबे से बाल है, पता है कहाँ रहता है? भैया आप यहाँ? छोटू
तू इतने दिनों से सिग्नल पे नहीं आया ना, मुझे तेरी चिंता हो रही थी। देख तुझे खोजते हुए मैं यहाँ तक पहुँच गया। पर छोटी तू ये स्कूल के यूनिफॉर्म में क्या है ना भैया, मेरी माँ अंधी है। तुम उनको डॉक्टर के पास ले गए थे तो डॉक्टर अंकल ने कहा कि माँ की आँखें वापस लाने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे, तो मैं भीख मांग के तो इतने सारे पैसे नहीं ला सकता। तो मैंने सोच लिया मैं पैसे इकट्ठा करके स्कूल में पढ़ूंगा और बड़ों के बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और फिर मेरी माँ की आँखें फिर से वापस आएंगी और वो दुनिया देख पाएंगी। इसलिए मैंने स्कूल में एक महीने का फी जमा किया है और अब से मैं स्कूल भी जाता हूँ। और छोटू सिर्फ एक महीने की फीस, उसके बाद का? बाद में तो पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा भैया। चलो अब मैं जाऊँ, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। छोटू एक 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 मिनट, ये ले आगे की फीस के लिए। थैंक यू भैया। एक छोटा सा बच्चा कितनी बड़ी सोच और हौसला रखता है। काश हम सब की सोच इतनी ही बड़ी हो। छोटू तूने हम सब को जिंदगी की मुश्किलों का सामना करना सिखा दिया। काश मेरी भी सोच इतनी बड़ी होती तो जिंदगी कुछ और ही होती।